हेलो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट दी इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो उसका पहला पार्ट जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट तो हमने जैसा कि पहले डिस्कस करा था वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ठीक है तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को जो हमने पहले से पढ़ रखा है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि हमने कहा था प्री प्री का मतलब होता है बिफोर तो बिफोर फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स हैं मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले के जो इवेंट हैं फर्टिलाइजेशन जब होता है उससे पहले के जितने भी इवेंट्स हैं हम उसको एक कैटेगरी के अंडर रखते हैं जो कि है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ठीक है और इसके अंदर दो पर्टिकुलर इवेंट्स आते हैं जो कि हमें पता भी हैं वन इज़ गैमीटोजेनेसिस एंड द अदर वन इज़ गैमीट ट्रांसफर गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट ट्रांसफर मतलब एक गैमीट दूसरे गैमीट के पास जाता है ठीक है तो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे हम पहले पढ़ते हैं गैमिटोजेनेसिस के बारे में तो गैमीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स तो गैमीट्स का फॉर्मेशन जो है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजनिस देर आर टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स दो टाइप के गैमीट्स हैं मेल और फीमेल गैमीट ठीक है और हमें ये पता है कि गैमीट दोनों के दोनों कैसे होते हैंप्लॉयड नेचर के होते हैं गैमीट्स आर हैप्लॉयड इन नेचर गैमीट मे और मे नॉट बी सिमिलर इन शेप एंड साइज मतलब कि अब यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि गैमीट जो है वो शेप और साइज में मे और मे नॉट बी सिमिलर मतलब कि हो सकता है वो शेप और साइज में सिमिलर हो और हो सकता है वो शेप और साइज़ में डिसिमिलर हो जाए मतलब कि सिमिलर ना हो और अगर इन केस वो सिमिलर निकल जाते हैं इन केस दे आर वेरी मच सिमिलर इन अपीयरेंस दे आर टर्नड एज आइसोगीट्स और होमोगेमीट्स मतलब कि वो अगर देखने में बहुत ज़्यादा हद तक सिमिलर हैं उनके अपीयरेंस में ठीक है तो हम उनको क्या बोलते थे आइसोगीट्स और होमोगैमीट्स अब यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं रिलेटेड टू टर्म्स तो आइसोगीट देखिए आइसो का मतलब होता है सेम ठीक है और गैमीट का मतलब तो गैमीट ही होता है तो ऐसे गैमीट्स जिनका जो अपेरेंस में क्या है सेम है ठीक है ऐसे ही एक टर्म है होमोगैमीट्स होमो का मतलब सिमिलर सॉरी गैमीट्स तो होमोगैमीट्स होमो का मतलब भी सेम होता है कि सिमिलर अपीयरेंस में जो होते हैं वो वाले गैमीट्स तो हमने इसीलिए वर्ड यूज़ करा है होमोगैमीट और आइसोगेमीट तो कुछ भी हम बोल सकते हैं आईतर वी कैन से होमोगैमीट और वी कैन से आइसोगीट तो दे आर कॉल्ड कॉल्डर्स आइसोगेमीट और होमोगैमीट एग्जाम्पल इज क्लैडोफोरा ओके आफ्टर दिस बट इन एंड मेजोरिटी ऑफ सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स दे आर डिफरेंट डिफरेंट इन इट देर आर थ्री मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड आर नोन एज हेट्रोगिट्स इस बेसिकली इस लाइन का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो सेक्शुअली रिपोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं मेजोरिटी ऑफ द सेक्शुअली रिपोर्ड्यूसिंग ऑर्गेजम्स जो होते हैं तो उस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हैं मतलब जो गैमीट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस में जब हम इनकी एक्सटर्नल स्टडी करते हैं बाहरी तरीके से जब इनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो वो हमें डिफरेंट देखने में मिलते हैं दैट इज़ वाई वी गेव दैम द टर्म हेट्रोगेमीट इसीलिए उसको हेट्रोगेमीट बोलते हैं अब यहाँ पे हेट्रो का मतलब क्या है हेट्रो और गैमीट तो हेट्रोगेमीट हेट्रो का मतलब होता है डिस सिमिलर डिससिमिलर अब डिसिमिलर का मतलब क्या होता है डिसिमिलर का मतलब तो आपको पता ही है डिसिमिलर सिमिलर मतलब जो एक जैसे ना हो तो ऐसे गैमीट्स को हम बोलते हैं डिसिमिलर गैमीट्स द मेल गैमीट इज कॉल्ड द एंथिरोजॉयड मेल गैमीट को हम एंथीरोजॉइड या फिर स्पर्म बोलते हैं देखिए एंथिरोजॉइड या फिर स्पर्म हम बोलेंगे लेकिन एंथिरइड टर्म हम यूज़ करते हैं प्लांट्स में अगर प्लांट है तो हम मेल गैमीट को बोलते हैं एंथीरोजॉइड और अगर वो एनिमल है ऑर्गेनिजम तो हम उसमें मेल गैमीट को बोलते हैं स्पर्म ठीक है अगर हम फीमेल गैमीट की बात कर रहे हैं तो प्लांट में अगेन हम बोलेंगे एग और अगर एनिमल है तो हम उसको बोल देते हैं ओवम ठीक है किसी किसी एनिमल में हम फीमेल गैमीट को किसी किसी बुक में एग बोला गया है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है हम ऐसा फीमेल के, के केस में यूज़ कर सकते हैं बट इन केस ऑफ एनिमल हम स्पर्म ही बोलते हैं एंथीरोजॉइड जनरली नहीं बोला जाता ठीक है तो ये तो बात है प्री फर्टिलाइजेशन में गैमिटोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि गैमिटोजेनेसिस बेसिकली क्या है और इसके बारे में लेकिन अभी एक चीज़ गयी, रह गई रह गई है कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हैं किस किस ऑर्गेनिज्म के पास तो वो हम पढ़ लेते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म सेक्सुअलिटी का मतलब क्या है इट मीन्स वट ऑफ़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है क्या उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या फिर उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या फिर हो सकता है दोनों ही प्रेजेंट हों ठीक है तो ऐसा होने पर हम उसको बोलते हैं ये उसकी सेक्चुअलिटी है तो स्टार्ट करते हैं इफ़ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल रिपोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज़ टर्म्ड एज़ बाईसेक्चुअल ऑर्गेनिज्म अगर एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या है मेल भी है और उसके पास फीमेल रिपोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है मेल एज वेल एज़ फीमेल रिपोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही प्रजेंट हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं बाई सेक्चुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ठीक है ठेके? इन केस ऑफ फंगस फंगस के केस में अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है बाइसेक्शुअल ऑर्गेनिज्म को हम टर्म देते हैं होमोथैलिक बाइसेक्शुअल ऑर्गेनिज्म को हम टर्म देते हैं होमोथैलिक इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ओके नाउ थैलस जो वर्ड है वो हम बोलते हैं कि फंजाई जो होता है वो बेसिकली थैलस से रिप्रेजेंट होता है या जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं हम उसको कहते हैं कि इनका थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन है थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है उनकी बॉडी जो है वो रूट्स स्टेम और लीव्स, इन तीनों में डिफ्रेंश नहीं है जी हाँ वो नहीं है डिफरेंश मतलब उसके पास रूट्स नहीं होंगी स्टेम्स नहीं होंगी और लीव्स नहीं होंगी तो बॉडी कैसी होगी फिर थैलस यानी कि सिंपल बहुत ही सिंपल होगी ना तो उसमें रूट्स हैं ना उसमें स्टेम्स हैं और ना उसमें लीव्स हैं तो बॉडी कैसी हो गई सिंपल हो गई तो यहाँ पे होमोथैलिक का मतलब ये है होमो मींस होमो मींस सेम और थैलस थैलस का मतलब सेम थैलस में तो एक ही थैलस में या सेम थैलस में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है इसीलिए उसको बोला गया है होमोथैलिक इसीलिए उसको बोला गया है होमो, गया है, होमो ठीक है ओके okay. प्लांट्स में बाई ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज मोनोशियस जो प्लांट्स हैं अगर उसमें प्लांट्स की बात करें तो उसमें जब कंडीशन आती है जिसमें प्लांट तो हो नहीं सकता मेल या फीमेल तो उसका फ्लावर जो होता है वो मेल या फीमेल हो सकता है तो अगर प्लांट का जो फ्लावर है ठीक है वो उसमें क्या प्रेजेंट है दोनों के दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है फ्लावर में तो हम उसको बोल देते हैं मोनो तब हम उसको बोल देते हैं मोनोएशियस मोनो एशियस सिंगल तो सिंगल फ्लावर में ही मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इसीलिए उसको बोल दिया मोनोएशियस कुकरबिड्स एंड कोकोनट्स इसका एग्जाम्पल है कुकरबिड्स एंड कोकोनट्स इन एनिमल्स बाइसेक्शुअल ऑर्गेनिजम्स आर टर्म्ड एज़ हर एनिमल्स में जस्ट इसका नेम एक अलग कर दिया है हमने बाइसेक्शुअल की जगह हमने उसको बोल दिया है हर ठीक है हर मेंफ्रोडाइड कौन कौन से एनिमल्स हैं जैसे कि अर्थफॉर्म हो गया जैसे कि स्पॉन्ज टेप वॉम एंड लीच ये सारे के सारे ही कैसे हैं बाई सेक्शुअल हैं मतलब कि इनकी एक सिंगल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है ठीक है ओके इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है या तो उसमें मेल होगा आइदर मेल है या फिर फीमेल है तो या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो हम उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं कि वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है जैसा कि कॉकरोच हो गया कॉकरोच के अलावा और भी हो सकते हैं लाइक like, जो हायर एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन ही हो गए ह्यूमन हो गए डॉग्स हो गए ठीक है तो शीप टाइगर ये बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स हो सकते हैं ठीक है तो उसमें एक होगा कोई सा भी सेक्स या तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे मेल के या फिर होंगे फीमेल के दोनों नहीं होंगे तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेक्चुअल ऑर्गेनिज्म नाउ हेट्रोथेलिक एंड डायूशियस टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द यूनिसेक्चुअल कंडीशन प्लांट्स में या फंगस जो है उसमें हम बेसिकली लोअर प्लांट्स में या किसी किसी फंगस में हम क्या टर्म यूज़ करते हैं हेट्रोथैलिक तो अगेन हेट्रो का मतलब डिसिमिलर या फिर डिफरेंट और थैलिक का मतलब थैलस तो डिफरेंट थैलिक में मतलब डिफरेंट थैलिक में मतलब डिफरेंट थैलस में प्रेजेंट है मेल और फीमेल तो मेल अलग थैलस में प्रेजेंट है और फीमेल अलग थैलस में प्रेजेंट है इसीलिए हम उसको बोलते हैं हेट्रोथैलिक मतलब कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन जब मेल अलग में हो जाएगा तो वो यूनिसेक्स हो जाएगा इसीलिए अब यहाँ पे लिखा है डायोशियस डायोशियस का मतलब भी यही है डायोशियस का मतलब दो तो डाई मीन्स दो तो दो अलग अलग यूनिट्स में प्रेजेंट हैं मेल और फीमेल मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है एग्जाम्पल पपाया डेट पाम ओके आफ्टर दिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें यूनिसेक्शुअल मेल फ्लावर इज़ टर्म्ड एज स्टेमिनेट एंड द फीमेल फ्लावर इज़ टर्म्ड एज पिस्टिलेट यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पर कहा गया है देखिए हमने पढ़ा है लोअर क्लासेज में कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का वो होता है स्टेमन और स्टेमन के हमने दो पार्ट्स पढ़े हैं एक उसमें होता है एंथर और एक उसमें होता है फिलामेंट ठीक है हमने यही पढ़ा है कि एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है अब एंथर और फिलामेंट वगैरह ये सब एक्चुअली में है क्या देखिए एक स्ट्रक्चर है ठीक है इस तरीके से और एक स्ट्रक्चर ये निकल रहा है ये कि स्टॉक टाइप्स है डंडी टाइप्स है ये तो इसको हम बोलते हैं फिलामेंट तो ये है हमारा एंथर और ये है हमारा फिलामेंट और इस एंथर के अंदर भरे होते हुए होते हैं पोलन ग्रेन एंथर के अंदर क्या है बहुत सारे पोलन ग्रेन्स ठीक है तो इसको हम बोलते हैं स्टेमन अब स्टेमन जिस फ्लावर में प्रेजेंट है और उसमें केवल और केवल स्टेमन प्रेजेंट है ठीक है स्टेमन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या स्टेमन जिसमें प्रेजेंट है उसको हमने क्या नाम दिया है स्टेमिनेट कि वो फ्लावर कैसा हो गया स्टेमिनेट हो गया अब जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हमने नाम दिया है पिस्टिलेट उसको हमने नाम पिस्टिलेट क्यों दिया है लेट सी दैट तो हमने पढ़ा है कि पिस्टल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं पिस्टल तो पिस्टल हमने पढ़ा है कि उसमें तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं कौन कौन से स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ये तीन स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि हम इस तरीके से अपनी लोअर क्लासेस में हमने डायग्राम्स भी बनाए हैं इस तरीके से राइट right? तो ये है स्टिग्मा ये है स्टाइल और दिस वन इज़ ओवरी तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें पिस्टल प्रेजेंट होता है पिस्टल को हम कार्पल भी बोल देते हैं कार्पल तो जिसमें पिस्टल प्रेजेंट होता है या फीमेल स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट है केवल और केवल हम उस फ्लावर को क्या बोल देते हैं पिस्टिलेट ठीक है ओके okay. तो हमने अभी तक ये सेक्शुअलिटी के बारे में पढ़ा है अब हम पढ़ते हैं गैमीट फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी बात ठीक है गैमीट फॉर्मेशन मतलब गैमीट जो बनता है वो जनरली क्या होता है डिप्लॉयड पेरेंट से बनता है इनर डिप्लॉयड पेरेंट द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मीओसिस और द रिडक्शन डिवीज़न तो मीओसिस के थ्रू ही या फिर रिडक्शन डिवीजन के थ्रू ही गैमीट्स बनते हैं डिप्लॉयड पेरेंट में मतलब कि एक पर्टिकुलर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा यानी कि टू एन और इसके इस सेल में डिविज़न होगा मीओसिस और उसके थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे हैप्लॉयड सेल बनेंगे और ईच सेल को हम क्या नाम देते हैं गैमीट हर एक सेल को हम क्या नाम देते हैं गैमीट राइट तो ये तो केस है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में लेकिन अगर पेरेंट की बॉडी ही हैप्लॉयड हो ऐसा किसी किसी प्लांट में होता है कि, कि पेरेंट की बॉडी ही हैप्लॉयड है अब जब पेरेंट की बॉडी ही हैप्लॉयड है तो कैसे होगा तो उस केस में क्या करते हैं गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोटिक डिवीजन गैमीट म्योसिस ना करके माइटोसिस करते हैं क्योंकि म्योसिस होकर तो वो पहले ही हैप्लॉयड होके बैठा है तो जब वो पहले से ही हैप्लॉयड है उसमें दोबारा तो म्योसिस करवा नहीं सकते तो इसमें माइटोटिक डिविजन्स होते हैं या माइटोसिस होता है म्योसिस नहीं होता ठीक है और जहाँ तक बात है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की जिस पर्टिकुलर सेल में जो अंडरगो होता है म्योसिस मतलब जिसमें म्योसिस होता है ठीक है ताकि उससे गैमीट प्रोड्यूस हो जाए उस पर्टिकुलर सेल को हम बोलते हैं मियोसाइट या फिर गैमीट मदर सेल मियोसाइट या फिर गैमीट मदर सेल मतलब एक से जो चार बनाता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं मियोसाइट या फिर गैमीट मदर सेल ठीक है ओके आफ्टर दिस गैमीट ट्रांसफर अब जब गैमीट एक बार बन गए उस गैमीट का ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं गैमीट ट्रांसफर अभी गैमीट ट्रांसफ़र कैसे होते हैं और क्यों होते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर एक मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमीट है सॉरी और यहाँ पर है एक फीमेल गैमीट ठीक है तो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जो फीमेल है ये फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है मतलब कि मूव नहीं कर सकता और ये जो मेल गैमीट है ये मोटाइल रहता है तो क्या होता है कि जो नॉन मोटाइल है और ये लार्ज रहता है मतलब साइज में बड़ा रहता है और ये साइज़ में स्मॉल छोटा रहता है तो मेल गैमीट को जाना पड़ता है फीमेल गैमीट के पास क्यों क्योंकि एक तो ये नॉन मोटाइल है और प्लस लार्ज है ठीक है क्योंकि ये लार्ज है और नॉन मोटाइल है दैट्स वाई इसको जाना पड़ता है मोटाइल क्योंकि मेल ही है तो मेल ही मूव कर सकता है तो मेल मूव करता है टुवर्ड्स नॉन मोटाइल गैमीट यानी कि टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट ये मूव करता है और इस मूवमेंट को हम कहते हैं गैमीट ट्रांसफर ठीक है आपने पढ़ा भी है कि एक मेल गैमीट जो है जब दूसरे मेल फीमेल गैमीट के पास मूव करता है प्लांट्स में तो हम उसको नाम भी देते हैं एक पॉलिनेशन राइट right? उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम ओके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मैथड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ गैमीट ट्रांसफ़र डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ गैमीट ट्रांसफ़र गैमीट ट्रांसफ़र के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स हैं प्लांट्स जो हैं उसमें भी अलग अलग मैथड्स हैं कैसे जो पर्टिकुलर प्लांट्स हैं लाइक एल्गी लाइक ब्रायोफाइट्स लाइक टेरिडोफाइट्स ये जो कि सिंपल प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है उसमें गैमीट ट्रांसफ़र जो होते हैं वो वाटर की मदद से ही होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मतलब जो एलगी, ब्रायोफाइट और टेडोफाइट है इसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं वो वाटर में ही फर्टिलाइजेशन होगा उनका ठीक है तो जब सारे काम वाटर के थ्रू ही होने हैं बिकॉज अलग से कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं ये वेल well डेवलप्ड तो है नहीं इतने तो जब सारे ही काम वाटर के थ्रू होने हैं तो ये वाटर के आसपास ही पाए जाते हैं ये एलगी ब्राइफाइट टेरिडोफाइट ये तीनों कहाँ मिलते हैं वाटर के पास ही मिलते हैं ऐसे ही एम्फीबियंस का केस है जो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग तो उसमें भी गैमिट्स कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं वो वाटर में डाल दिए जाते हैं मतलब कि फ्रॉग के जो मेल के जो स्पर्म्स होंगे वो भी कहाँ डाल दिए जाएंगे वाटर में और जो फीमेल जो एग प्रोड्यूस करेगी वो भी कहाँ जाएंगे वाटर में और दोनों के दोनों फ्यूज़ होकर क्या करेंगे एम्फीबियंस के जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज़ हो जाएंगे वाटर के अंदर ही वाटर में ही वो फ्यूज हो जाते हैं ठीक है नाउ इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट जो प्लांट्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स उसके केस में क्या होता है उसके केस में ये होता है कि पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ़ मेल गैमीट यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कैरियर कैरियर का मतलब ये है केवल और केवल लेके जाते हैं मतलब मेल गैमीट पोलन ग्रेन नहीं है ठीक है पोलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमिट तो पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स ऑफ मेल गैमीट वो मेल गैमिट को लेकर के जाते हैं और ओव्यूल हैव द एग ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है एग प्रेजेंट होता है द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा जिसको हम बोलते हैं पोलिनेशन यही पढ़ा है हमने ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर इज कॉल्ड पॉलीनेशन ठीक है और पोलिनेशन क्यों होता है इन ऑर्डर टू अचीव द गैमीट ट्रांसफर ताकि गैमीट ट्रांसफर हो जाए मतलब कि पोलन ग्रेन एक जगह से उड़ के जब दूसरी जगह जाएगा और पोलन ग्रेन के अंदर क्या छुपा बैठा है मेल गैमीट है तो मेल गैमीट अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाता है मतलब एक फ्लावर अपने अपनी पोजिशन को छोड़ के स्टिग्मा पर चला जाता है जहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन परफॉर्म कर सकता है ठीक है तो ये है गैमीट ट्रांसफ़र की बात इसके बाद बात आती है फर्टिलाइजेशन की तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में हमें पता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड मेल एंड फीमेल गैमिट दोनों गैमिट कैसे होते हैं हैप्लॉयड टू प्रोड्यूस सिंगल डिप्लॉयड जाइगोट एक सिंगल डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन ठीक है फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी बोलते हैं एक दूसरा नाम भी है फर्टिलाइजेशन का सिनगैमी ठीक है ओके okay. अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ़र्टिलाइजेशन हो जाने का मतलब ये है कि एक मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है दोनों के दोनों फ्यूज़ हो गए और इन्होंने बना दिया एक डिप्लॉइड जाइगोट ये एन था ये एन था और ये टू एन अब ये जो पर्टिकुलर हमारे पास जो जो पर्टिकुलर हमारे पास ये जाइगोट आया है इस जाइगोट की अगर हम बात करें तो ये जाइगोट अब बनाएगा एक नया ऑफ स्प्रिंग नया ऑफ स्प्रिंग या फिर एक नया ऑर्गेनिज्म ठीक है तो इन सम ऑर्गेनिजम्स द फीमेल गैमीट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब कि होना तो ये चाहिए था कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ करेंगे और बनना चाहिए था एक डिप्लॉयड जाइगोट और ये बनाना चाहिए था इसको ऑफ स्प्रिंग राइट लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो इसकी जगह पर क्या हुआ फिर वो हम देखते हैं कि ऐसा हुआ कि ये फीमेल गैमीट इसी ने ही पूरा का पूरा ऑफ स्प्रिंग बना दिया इसी ने ही पूरा का पूरा ऑफ स्प्रिंग बना दिया इसने सॉरी हमने क्या देखा कि एक मेल गैमीट था और एक फीमेल गैमीट था तो फीमेल ने ही पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बना दिया जिसको हमने कहा ऑफ स्प्रिंग इसने ही पूरा का पूरा ऑफ स्प्रिंग बना दिया इसने मेल गैमीट को इंक्लूड नहीं किया अब जो फीमेल गैमीट था वो कैसा था वो हैपलॉइड था और इसने मेल गैमीट तो लिया नहीं तो ये ऑफ स्प्रिंग भी कैसा होना चाहिए हैप्लॉइड होना चाहिए बिल्कुल ये हैपलॉइड ही होता है ये ऑफ स्प्रिंग तो क्या ये सर्वाइव करता है बिल्कुल ये सर्वाइव करता है लेकिन लोअर एनिमल्स में ही सर्वाइव करता है क्योंकि उन एनिमल्स की ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ठीक है तो क्या ऐसा हर बार पॉसिबल है नहीं ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है कुछ ही केसेस में ऐसा पॉसिबल है और ऐसा पॉसिबल तब होता है जब ये फीमेल गैमीट जो है इसको मेल गैमीट नहीं मिल पाता ठीक है कंडीशन ये होती है कि फीमेल गैमीट डेवलपमेंट के लिए जा ही रहा होता है और इसको मेल गैमिट नहीं मिल पाता और जब इसको मेल गैमिट नहीं मिल पाता ये सिंपली अपने आप से ही अपनी हैप्लॉयड कंडीशन में ही एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर देता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस ठीक है लेट्स इन ऑर्गेनिजम्स द फीमेल गैमीट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन के सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस और ये किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है हनी बीज में होता है विपटेल लिजार्ड में होता है रोटी फर्स जो कि बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स के जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं टर्की जो बर्ड है उसमें होता है ऐसा ठीक है दे आर टू मेन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन और वेयर डज द फर्टिलाइजेशन या वो अकर होती है अगर फर्टिलाइजेशन जो होती है फीमेल बॉडी के बाहर है तो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स आउटसाइड फीमेल बॉडी और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो हम बोलते हैं इनसाइड फीमेल बॉडी तो फीमेल बॉडी के अंदर है अगर फर्टिलाइजेशन होने वाली जो साइट है तो इंटरनल और अगर फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो होता है एक्सटर्नल ठीक है अब एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ने के बाद अब हम आते हैं हमारे इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का क्या मतलब है पोस्ट मीन्स पोस्ट का मतलब क्या होता है आफ्टर तो ऐसे इवेंट्स जो कि फर्टिलाइजेशन के आफ्टर हुए हैं तो पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स इनमें दो ही इसमें दो ही इवेंट्स हैं एक तो जाइगोड और एक एम्ब्रियो मतलब एक जाइगोट का फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हम डिस्कस करते हैं ठीक है जाइगोट दाइगोट कैन अंडर गो for the development to form a new organism or may divide by meiosis matlab ki zygote jo hai wo ya to development ke liye theek hai development development के लिए divide कर सकता है development में जा सकता है या फिर वो meiosis भी कर सकता है मतलब एक zygote है उसके पास ऑप्शनस एक्चुअली में बहुत सारे होते हैं ठीक है तो या तो वो डेवलपमेंट में चला जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि वो डेवलपमेंट में गया या फिर वो क्या कर सकता है वो म्योसिस कर सकता है अब वो म्योसिस क्यों करेगा जब जयगोट क्या कहते हैं जाइगोट बन चुका है डिप्लॉयड जयगोट तो वो म्योसिस करेगा क्यों क्योंकि म्योसिस करना उसकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि जो उसका पेरेंट है वो हैप्लॉइड रहा है मतलब कि यहाँ पर जो पेरेंट है पेरेंट बॉडी वो हैप्लॉयड थी एक और पेरेंट बॉडी जो कि हेप्रॉयड थी तो एक मेल था एक फीमेल था इन दोनों ने अपने गैमिट्स प्रोड्यूस करे और गैमिट प्रोडक्शन के बाद एक जयकोट बन गया लेकिन प्लांट बॉडी कैसी थी हैप्लॉयड तो इसको फिर से म्योसिस करना पड़ जाता है क्योंकि इसकी पेरेंट बॉडी ही हैप्लॉयड है तो ये म्योसिस करके एक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है और ये हैप्रॉयड स्ट्रक्चर ग्रो करके फिर जाके पेरेंट बन मतलब इंडिविजुअल बनता है ठीक है तो इसी वजह से यहाँ पर मियोसिस हो जाती है कभी कभी और मे प्रोसीड फॉर अ रेस्ट फॉर अ रे पीरियड ऑफ रेस्ट मतलब वो हो सकता है एक रेस्टिंग पीरियड में भी चला जाए बिफोर द जर्मिनेशन जर्मिनेशन से पहले एक रेस्टिंग ड्यूरेशन में भी जा सकता है इट डिपेंड्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो जयगोड के साथ दरअसल क्या होना है ये डिपेंड करता है काफ़ी हद तक जो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल है उस पर डिपेंड करता है ठीक है नाउ जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिजम ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट तो जाइगोट ही वो वाइटल लिंक है जो कि इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन वन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट मतलब कि एक मेल ऑर्गेनिज्म था एक फीमेल ऑर्गेनिज्म था इसने जायगोट बनाया अब जयगोट बनाने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल बन गया अभी जो न्यू इंडिविजुअली जो हमारा नया इंडिविजुअल uh, बना ये ही जो है नया जनरेशन है न्यू जनरेशन है लेकिन ये जो न्यू जनरेशन आई है ये किसकी वजह से आई है जैगोड की वजह से ना कि इस मेल गैमीट की वजह से ना कि एक फीमेल गैमीट की वजह से तो वो इंडिविजुअल जो बेसिकली अब बना है ये वाला जो इंडिविजुअल जो बना है ये बेसिकली बना है बिकॉज ऑफ जाइगोर्ड क्योंकि जाइगोड बना था अकेला मेल गैमेट और अकेला फीमेल गैमेट कुछ नहीं कर पाते ठीक है अकेला मेल गैमेट और अकेला फीमेल गैमेट कुछ नहीं कर पाते इसीलिए एक जाइगोट बनता है पहले और जाइगोट ही कनेक्ट करता है पिछली जनरेशन को और आगे वाली जनरेशन को इसीलिए हमने कहा है जाइगोट इज़ द वाइटल लिंक दैट इन्श्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट ठीक है इसके बाद आता है एम्ब्रियोजेनेसिस अब एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम दाइगोट जाइगोड से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द अंडर गोज ये डज नहीं है, है। द दाइगोट uh, अंडर गोज सेल डिवीज़न एंड सेल डिफ्रेंशियशन मतलब वो सेल डिवीज़न करता है डिवाइड करता है अपने आप को और सेल में डिफ्रेंशिएशन होते हैं सेल्स अपने आप को डिफरेंशियट कर लेते हैं कि कौन पर्टिकुलर सेल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाला है उसको बोलते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन तो सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेते हैं नाओ वी वी पैरस एंड ओ वी पैरस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली में है क्या तो ओ वी पैरस ये हमने पढ़ रखा है पहले ही लोअर क्लासेस में कि ओवी पैरस जो होते हैं वो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ऐसे एनिमल्स जो एग ले करते हैं अंडे देते हैं और वी वी पैरस गिव बर्थ टू यंग वंस वो बच्चों को जन्म देते हैं तो ओवी पैरस में आर दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट मतलब फ़ीमेल की जो बॉडी है उससे बाहर डेवलपमेंट होता है वो एक अंडा दे देते हैं और उस अंडे के अंदर उनके बच्चों का डेवलपमेंट होता है ठीक है और वो जो एग्ज रहते हैं वो फर्टिलाइज एग्ज रहते हैं जो कि कवर्ड रहते हैं बाई दी हार्ड कैलकेरियस शेल से वो कवर्ड रहते हैं हार्ड कैलकेरियस शेल में बेसिकली सी थ्री होता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं ठीक है तो ओवीपैरस मीन्स एग लेइंग एनिमल्स और डेवलपमेंट एक्सप्लेट्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट बेबी के केस में गिव बर्ड्स टू यंग वंस एंड दीज आर दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपमेंट ऑफ जयगोड टेक्स प्लेस इन साइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट यहाँ पर जो जाइगोड का डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रहा है फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा होता है आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन ग्रोथ होने के बाद एक पर्टिकुलर ग्रोथ टाइम ग्रोथ हो जाने के बाद यंग वंस जो रहते हैं जो न्यू बॉर्न जो सॉरी न्यू जनरेशन है वो फीमेल ऑर्गेनिज्म से बाहर डिलीवर कर दिया जाता है फ़ीमेल की बॉडी से वो बाहर आ जाता है और फिर वो अपनी लाइफ एज अ न्यू और डिफरेंट इंडिविजुअल वो जीता है नाउ बिकॉज ऑफ़ प्रॉपर एम्ब्रियनिक केयर क्योंकि प्रॉपर एम्ब्रियनिक केयर होती है वीवी पैरस में और प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलती है चांसेज ऑफ़ सर्वाइवल ऑफ़ यंग वंस इज़ ग्रेटर इन वी वी पैरस ऑर्गेनिजम्स वी वी पैरस ऑर्गेनिजम्स में प्रोटेक्शन और एम्ब्रियनिक केयर अच्छे से मिलती है ठीक है ओवी पैरस में क्या है कि ओवी पैरस में तो जो एग है वो एक जगह रहते हैं हालांकि मदर आसपास ही रहती है लेकिन मदर को भी जो है कहीं कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है कभी खाने के लिए कभी पीने के लिए और ड्यूरिंग दिस दिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन उसके जो यंग वंस हैं जो एग्स के अंदर हैं वो अनप्रोटेक्टेड रहते हैं तो एक प्रॉपर एम्ब्रियनिक केयर मिलती है वीवी पैरस में ठीक है एम्ब्रियो जो रहता है उसको प्रॉपर केयर मिल रही है प्लस प्रोटेक्शन भी मिल रही है क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर ही है तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वीवी पैरस ऑर्गेनिज़म्स के चांसेस ऑफ सर्वाइवल वो थोड़े ज़्यादा हैं नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इनसाइड द ओव्यूल जब जैसे ही जाइगोड बना ओव्यूल के अंदर तब क्या होता है जो सेपल्स हैं पेटल्स हैं और जो स्टेम्स हैं वो ड्राई अप हो जाके वो ड्राई अप हो जाते हैं और वो फॉल ऑफ मतलब गिर जाते हैं वो ड्राई हो के गिर जाते हैं फ्लावर से वो झड़ जाएंगे ठीक है नाउ द जाइगोड डेवलप्स इंटू द एमरी जाइगोर्ड डेवलप करेगा एक एमरियो में ओवियूल डेवलप इंटू द सीड ओवियुलेवलप कर जाएगा सीड में और ओवरी इंटू द फ्रूट और ओवरी डेवलप कर जाएगी फ्रूट में तो यहाँ पे अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा कि जो जाइगोट है वो डेवलप करता है एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो में जो हमारे पास जो ओव्यूल है वो डेवलप करता है सीड में और जो ओवरी है वो डेवलप करती है फ्रूट में ठीक है ओके इनसाइड द मेच्योर सीड इज द प्रोजेनिटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन दी एम्ब्रियो देखिए ये जो लाइन है ये आपको टेक्स्ट में कहीं भी नहीं मिलेगी एन के लेकिन ये आपको एन की ही लाइन है ये बात मैं बता देता हूँ ये एन में चैप्टर की समरी में रखी है ठीक है तो इनसाइड द मैच्योर सीड सीड के अंदर क्या प्रेजेंट है एम्ब्रियो तो प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन मतलब कि ऐसा एक पर्टिकुलर आ, Uh, एक ऐसी पर्टिकुलर चीज है जो कि प्रो मतलब कि जीवन प्रदान करता है नेक्स्ट जनरेशन को तो नेक्स्ट जनरेशन का बीज है मतलब कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि नेक्स्ट जनरेशन को बनाएगा ठीक है और जिसका नाम है एम्ब्रियो ठीक है आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दी कॉन्सेप्ट सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो एंड इफ यू हैव एनी रिलेटेड प्रॉब्लम और एनी रिलेटेड क्वेरी टू दिस चैप्टर जो भी आपके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी क्वेश्चन और वट एवर जो भी डाउट्स हैं यू कैन पोस्ट इन इन द कमेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैम थैंक यू